वैसे तो मैगी कैसे भी बना लो बहुत ही टेस्टी लगती है, पर हम सबका अपना ही एक वर्जन होता है इसे बनाने का। एंड आई एम श्योर आपका भी एक अपना वर्जन होगा मैगी बनाने का। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप मैगी कैसे बनाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरी मैगी की रेसिपी मेरे स्टाइल में। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। तो आइए देखते हैं मेरी मैगी कैसे बनाई जाती है। मेरी मैगी इज लोडेड विद वेजिटेबल्स, तो इसके लिए मैंने लिया है एक प्याज रफली चॉप करके, एक छोटी शिमला मिर्च रफली चॉप करके, एक छोटा गाजर रफली चॉप करके और एक चौथाई कप हरी मटर। इसी के साथ मैंने लिया है एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक नींबू का वेज, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक मैगी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म हो जाने पे हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे अच्छे से सौते करेंगे। लहसुन का कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से सौते कर लें और फिर इसमें डालेंगे एक प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। प्याज को भी यहाँ पे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हल्का सा कुक करना है, ट्रांसपेरेंट या लाइट पिंक होने तक सौते करना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम पे रखा है। प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे गाजर रफली चॉप करे हुए। गाजर के पीसेस ज्यादा बड़े ना रखें, इन्हें मीडियम क्यूब्स में कट करें। इन्हें भी लाइटली सौते कर लें। यहाँ पे वेजिटेबल्स को ओवरकुक नहीं करना है, इन्हें क्रंची रखना है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और मटर। शिमला मिर्च और मटर एंड में डालें, इन्हें कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इन्हें हमें ज्यादा कुक भी नहीं करना है, इन्हें थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। तो इन्हें लाइटली सौते करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटर रफली चॉप करके। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, कुछ लोगों को सूपी मैगी पसंद नहीं होती, पर यहाँ पे मैं टमाटरों का यूज करती हूँ। इससे एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट, टैंगीनेस और थोड़ी सी मैगी सूपी हो जाती है। फिर हम इसमें डालेंगे एक चौथाई छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। मैं ये एक्स्ट्रा मसाले जरूर से डालती हूँ, इससे मेरी मैगी और भी चटपटी हो जाती है। इन्हें भी हम लाइटली सौते कर लेंगे और इसमें डालेंगे एक मैगी। मैगी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मैगी टेस्ट मेकर और फिर हम इसमें डालेंगे करीब एक कप पानी। मेरी मैगी थोड़ी सी ज्यादा सूपी होती है बिकॉज आई लाइक इट दैट वे। अगर आप सूखी मैगी खाना पसंद करते हैं तो इसमें कम पानी का यूज करें। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पे मैं मैगी तोड़ के नहीं डालती हूँ, बिल्कुल एज इज मैं मैगी यूज करती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच बटर का। बटर से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। बटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें और गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर दें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मैगी को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करेंगे। मेरी वाली मैगी में आप जो भी वेजिटेबल्स डालना चाहें अपने चॉइस की वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हैं। इसमें कॉर्न और पनीर भी बहुत बढ़िया लगता है। तो मैगी तो टेस्टी होती ही है, पर हमने इसे वेजिटेबल्स डाल के थोड़ा सा हेल्दी बनाने की भी कोशिश करी है। तो शाम की भूख में जब भी आपका कोई चटपटा सा स्नैक खाने का मन हो तो इस मैगी को बना सकते हैं, और थोड़ी कम गिल्ट होगी खाने के बाद क्योंकि इसमें है बहुत सारी वेजिटेबल्स। तो अब मैंने इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मेरी मैगी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। तो बिल्कुल एंड में अब मैं इसमें डालूंगी कुछ बूंदे नींबू के रस की और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना मैगी सॉगी हो जाएगी। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे करेंगे तुरंत सर्व टोस्टेड ब्रेड के साथ। आई लाइक इट विद टोस्टेड ब्रेड बटर के साथ। तो तैयार है झटपट बहुत ही इजी और क्विक मेरी वेजिटेबल मसाला मैगी। आप भी इसे कभी जरूर से ट्राई करें और अपना वर्जन आप मैगी कैसे बनाते हैं ये मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।